जिले के आगामी होने वाले नगर परिषद चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो गई है। बता दें कि इस चुनाव को लेकर ब्रिकमगंज नगर परिषद में भावी स्था सभापति प्रत्याशी विकास उर्फ सरसठ सिंह ने चुनाव से पूर्व ही लोगों के घर घर जाकर जनसंपर्क किया। उनके समर्थन में भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ प्रदेश महामंत्री डॉक्टर मनीष रंजन ने नगर परिषद के विकास हेतु भावी सभापति प्रत्याशी विकास सिंह को जनहित में वोट करने की नगरवासियों से अपील की। वहीं भावी सभापति प्रत्याशी के जनसंपर्क रैली में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी। वहीं होने वाले चुनाव को लेकर भावी सभापति प्रत्याशी विकास सिंह ने नगर परिषद के जनहित में विकास कार्य करने का जनता से वादा करते हुए क्या कुछ कहा, देखें इस पूरी रिपोर्ट। आप नगर परिषद के भावी सभापति उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे हैं, आप जनता के बीच क्या लेकर जाएंगे कि जनता आपको चाहेगी? हमारा पहला लक्ष्य है कि गरीबों का उत्थान हो और स्वास्थ्य, शिक्षा और जितना जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ रूप से चलाने का हम प्रयास करेंगे। और जितना जो समस्या है उसको मैं निपटारा करूंगा और जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं व्यवसाय में, उन लोगों को सबको जगह एथी करना मेरा पहला एथी रहेगा। आप 2015 से 17 के बीच नगर उपाध्यक्ष के पद पर भी आसीन रहे हैं। जी जी, उसमें आपने ऐसी कौन से कार्य किए हैं, ऐसा कौन सा कार्य किए हैं कि जनता के बीच गिनाएंगे उस कार्य को? जी, मेरा काम पहला है कि दो मैं पानी टन वो एथी बनाया, जो टावर, जो एक बना ब्लॉक में, दूसरा बना धारूपुर गांव में, जो 4.5 करोड़ का एक एक टावर का हमने दोनों जगह काम करवाया। इसके बाद नली गली जो भी है, मैं जहां घर भी नहीं था वहां भी मैंने रोड बनवाया, नली बनवाया, गली बनवाया, ये सब मेरा काम था। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन हमारे रीजन में कभी बंद नहीं हुआ था। वहाँ पैसा सरकार से आए चाहे नहीं आए, नगर परिषद में जो पैसा रहता था मैं उसी को वितरण करवा देता था। बाद में जब आता था तो वो अपने फंड में लोग डालता था और हमें कोई जाति माने भेदभाव की कोई भावना आज तक नहीं रखा। नगर परिषद में कोई भी जाति भेदभाव हम नहीं किया। आपको विक्रमगंज की जनता आगामी अगर अध्यक्ष के पद पर आसीन करती है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी विक्रमगंज जनता के लिए? ये सबसे पहले प्राथमिकता की बात है जो कि हम सबसे पहले जितने भी दुकानदार फुटपाथ पर जो बेचने वाले हैं, ठेला वाले हैं, सबको अस्थाई व्यवस्था करने का मैं प्रयास करूंगा और शहर को जो ये अतिक्रमण है इससे मुक्ति का मैं प्रयास करूंगा कि शहर में अतिक्रमण का जो एथी है, जाम जो हो रहा है सड़क, ये सब पर हम प्रयास करेंगे कि जहाँ तक कि शहर हमारी सुंदर हो। और नगर के तमाम गांव, जिसे हम लोगों का नगर में बहुत आता है, धनगाई, तेंदुनी, सिकरियाँ, इस सब में भी मैं विकास का काम करने का सबसे मैं प्रयास करूँगा। जब भी चुनाव आता है तो बहुत सारे प्रत्याशी लोग जनसंपर्क करने के दौरान बोलते हैं, बहुत सारा वादा गिनाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं तो फिर जनता के बारे में भूल जाते हैं कि मैंने सुख दुख में शामिल हो या ना हो, इसके बारे में आप क्या कहना? जी नहीं, हम पहले 5 वर्ष जो हमने काम किया, उसके पहले हमारे चाचा जी थे श्री जवाहर सिंह एवं सिद्धनाथ सिंह, उनके रीजन में भी उनके सहयोग से हमने बहुत सारा काम किया। और इसके बाद जब हमें मौका मिला तो नगर में कोई ऐसा वार्ड नहीं था जिसमें हमने काम नहीं किया और सभी का हमने समस्या सुनने का काम किया। और हमें कहीं भावना लेकर नहीं कि हम नगर के उपाध्यक्ष हैं, हमने जनता के साथ जनता बनकर काम करने का प्रयास किया और कोई हम में भेदभाव नहीं है, न जातिवाद हम करते हैं और कभी करेंगे। माँ के दरबार में नगर परिषद विक्रमगंज की जनता के लिए आपका क्या अंतिम संदेश रहेगा? मैं माँ के दरबार में मैं आश्वासन देता हूँ कि स्वच्छ रूप से उस चेयर पर बैठकर और नगर के विकास के लिए मैं बराबर काम मेरा सोच रहेगा और मैं करते रहूँगा। एक मुख्य सवाल है कि जो विक्रमगंज नगर परिषद है, जो कि जनहित विकास कार्यक्रम पर जो भी नगर परिषद के तहत योजनाएं आती है उसके तहत बहुत से ऐसे प्रत्याशी है जो कि भ्रष्टाचार के तहत उसको लूट लिए गए। भ्रष्टाचार के लूटने वाला बात तो हम माने अभी नहीं आपसे करेंगे, लेकिन हम अपने रीजन का जो बात है
उसको हम बता सकते हैं आपको कि जो हम लोगों के समय में जो मेरे रीजन में जो काम हुआ वहाँ कहीं लूटपाट का ज़्यादा एथी नहीं रहा। और जो अभी अभी आपका जो 27 लाख रुपया पर मंथ सफाई में जा रहा है, हम लोगों के रीजन में 1,80,000 में पूरे मंथ की सफाई किया जा रहा था, ठीक है। और जो भी काम होता था नगर के हर वार्ड पार्षद और नगर के कर्मचारी के द्वारा किया जाता था, उसमें ज़्यादा बगलिंग का कोई सवाल नहीं था। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विकास कुमार सिंह उर्फ सरसठ सिंह, पूर्व नगर उपाध्यक्ष विक्रमगंज।